सिटी बस है तो सिटी के अंदर ही चलेगी। वो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में जाने, छत्तीसगढ़ जो है अच्छा टूरिज्म प्लेस कैसे बने और यहाँ की एकता देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। राजधानी रायपुर में आज बस ऑपरेटर का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश भर के छोटे और बड़े बस ऑपरेटर शामिल हुए। केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लेकर भी सम्मेलन में चर्चा हुई। यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर हुआ। सम्मेलन की तैयारियां छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने पूरा किया। छत्तीसगढ़ यातायात संघ का कहना है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के लिए जो रोड टैक्स तय किए गए हैं वह भी ज्यादा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। आज हम यहाँ रायपुर में आए थे प्रवास 4.0 जो बेंगलोर में हो रहा है फ्रॉम 29 टू 31 ऑफ अगस्त। इसमें आपको अलग अलग नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज ये देखने को मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिलेगी और लोगों के लिए अवार्ड फंक्शन भी है, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अवार्ड भी देंगे। ये 3 दिन का प्रोग्राम है। हम यहाँ आए थे लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया, सब अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छी थी और यहाँ की एकता देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ट्रकर्स एसोसिएशन आए थे, इंडस्ट्री के लोग भी आए थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आए थे, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और आपके माध्यम से मैं सबको एक बार वापस बुलावा देना चाहता हूँ कि सब जन बेंगलोर में 29 से 31 अगस्त में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें जरूर पधारे। मैं प्रसन्ना पटवर्धन बोल रहा हूँ, बस एंड कार ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का। देखिए, कोई भी जब नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए जो टेक्नोलॉजी हैं, जैसे ई बसेस है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हुई। आने वाले समय में और कैसे इस बिज़नेस को अपग्रेड करें, क्योंकि आपको पता है सब लोगों को कि ट्रेनों की स्थिति ठीक नहीं है। वैसे भी इस देश में मोर देन 70% जो पैसेंजर्स है उनके आवागमन का एक बड़ा जो मार्ग प्रशस्त करने वाली संस्था है वो बस एसोसिएशन है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी जिस हिसाब से हमसे टैक्स लेती है उस हिसाब से वो फैसिलिटीज़ बस वालों को भी मुहैया कराए और पैसेंजर्स को भी मुहैया कराए। क्योंकि आज ये देखिए आप कि रायपुर से बॉम्बे तक से बसें चल रही हैं 7 राज्यों में, हैदराबाद से लेकर के बड़े बड़े जो कैपिटल्स हैं वहाँ हमारी बसें चल रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि इस बस को, इस व्यापार को सरकार के मदद की आवश्यकता है। हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम फैसिलिटीज़ मांग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया परमिट की जो बसें चलती हैं वो रात को चलती हैं और स्टेज कैरियज के परमिट हैं वो दिन में चलते हैं। आने वाले समय में ये छत्तीसगढ़ जो है अच्छा टूरिज्म प्लेस कैसे बने, यहाँ कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ये हमारी इच्छा है और उसी के लिए जो प्रवास 4 का जो वो है, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक के लोग यहाँ आए हैं। तो जब दूसरे राज्य के लोग जब आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारे राज्यों की एक बात मन में बैठी रहती है कि नक्सली बहुत हैं क्या, या उतरते ही ऐसा कुछ होगा क्या। ये सारी चीज़ें उनके मन से भ्रांतियाँ दूर होती हैं और वो प्रोवाइड करवाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज किसी के बस ऑपरेटर जितने भी हैं, मतभेद किसी को एक दूसरे से नहीं है। और मेरे को आज ये कहते हुए बड़ा एक और अच्छा लग रहा है कि हम लोग लगभग 32 लाख लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं, 32 करोड़ लोगों को हम डेली सर्विस देते हैं, जो मुझे आज तक ये पता नहीं था। कभी भी सरकार जो बताया गया कि हमें दबाव बनाते हैं, कुछ भी कानून बना देते हैं, कुछ भी हमारे साथ कर देते हैं, तो बड़ा एक अपने आप में ये लगता है कि हम इतने मजबूत होने के बाद भी हम कैसे दबके रहते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बोला कि सिटी बस की जो सबसे अहम मुद्दा था उसके लिए उन्होंने बोला कि हम इस परिभाषा को चेंज नहीं होने देंगे, इस परिभाषा को सिटी बस है तो सिटी के अंदर ही चलेगी। ये हमारे लिए एक और हर्ष और खुशी की बात है। आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम में आए और हौसला अफजाई, और आप लोगों ने आपके माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर इंडिया में लोगों को ये जानकारी होगी कि आज छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। ये मैं आपको तहे दिल से और सभी आए हुए बस ऑपरेटरों को धन्यवाद देता हूँ।
छत्तीसगढ़ को टूरिज्म हब बनाने के लिए भी इस सम्मेलन में एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, ताकि देश विदेश के पर्यटक छत्तीसगढ़ की सुंदरता को निहार सके। छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल बहुत सारे हैं, वो छत्तीसगढ़ स्थल हमारे जो है उसको हम प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ के बाहर से जो आए हैं बहुत सारे लोग, वो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में जाने और देखे, उनके सुने, उसको जाकर देखे, अनुभव करें, ताकि ये इतने अच्छे अच्छे जगह हैं छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थल जो हमको खुद को भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसके लिए हम प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। बाहर से जो पर्यटन आते हैं तो हमारे रिसॉर्ट हैं, गवर्नमेंट का रिसॉर्ट है, पर्यटन का रिसॉर्ट है, उसमें रुकेंगे और इससे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में इजाफा होता है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस